हे गाइस, मैं योगेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वाईपी पे। और आज आप लोग बीच फिर से लेके आया हूं ये ज्यामिति का पार्ट 15। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 14 यानी 14 पार्ट तक ज्यामिति को कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग वहां से मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आयत के बारे में। आयत से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, वो सब चीज़ डिस्कशन करेंगे। आयत अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट, आयत का बहुत बड़ा अपने आप में, इसके 10-11 पॉइंट होंगे तो बहुत बड़ा हो गया। इसको हम दो वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो 20 मिनट, फिर अगला वीडियो 20 मिनट, यानी दो वीडियो में अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। हर एक चीज़ का बेसिक नॉलेज ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोगों को ट्रिक तभी तैयार होगी जब तक बेसिक नहीं मालूम होगा। तो बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तब चीज़ें ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएंगी। थोड़ा सा इशू हो रहा था, कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो उसको ठीक कर लिए हैं। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयत होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, आयत होता क्या है, रेक्टेंगल होता क्या है। देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत साइड इक्वल और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। ऐसा चतुर्भुज जिसके, मान लो हमारे पास ए बी सी डी कोई एक चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर, और एक प्रत्येक एंगल कितने का हो, 90 अंश, और आमने सामने की भुजाएं बराबर के साथ साथ क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगे, बराबर, और एक दूसरे क्या हों, समांतर, यानी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर और आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल यानी आयत बोलते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने, जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर हों और उनके बीच का प्रत्येक एंगल कितना हो, 90 अंश हो, हम लोग उसको बोलते हैं आयत। अब देखिए, ये इसमें क्या है, ए हमारे पास भुजा क्या है, ए बी बराबर किसके, सी डी के। ऐसे ही इसके विपरीत भुजा क्या हो जाएगी, ए डी बराबर किसके हो जाएगी, बी सी के, यानी ये दोनों क्या होगी, विपरीत साइड बराबर होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके हम लोग पहला पॉइंट इस पर देखेंगे जो बहुत बेसिक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। क्यों, ध्यान से समझिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, ए सी, मान ले रहे हैं विकर्ण क्या है, पहला पॉइंट ही हमारे पास क्या है, विकर्ण, मान ले रहे हमारे पास विकर्ण ए सी बराबर क्या है, डी वन, उसके बाद विकर्ण यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए, बी डी, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बी डी। देखो विकर्ण क्या होता है, देखिए विपरीत साइड यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली विकर्ण, ये यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण यानी डायगोनल बोला जाता है। अब ध्यान समझिए, विकर्ण बी डी बराबर हमारे पास क्या मान ले रहे हैं, डी टू, बी डी बराबर क्या मान रहे हैं, डी टू। तो हम क्या कर रहे हैं, जो इसके दोनों विकर्ण होते हैं, डी वन बराबर क्या होता है, डी टू, ये हमारा पहला पॉइंट है, डी वन बराबर क्या होता है, डी टू। अब देखिए, ध्यान से समझिए, ये होता क्यों है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग इसकी लंबाई मान ले रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई, इसकी क्या हो जाएगी, ए हमारे पे क्या हो जाएगी, अगर हम लोग यहाँ से इसको देखें तो हमारी क्या हो जाएगी, ए बी, ये लंबाई हो जाएगी, ये क्या उसकी होती है, ब्रेथ यानी चौड़ाई होती है, इसको हम लोग लेंथ यानी लंबाई बोला जाता है आयत की, ये हमारे पास क्या होती है, चौड़ाई। अगर ए लंबाई है तो ए भी क्या होगी, लंबाई, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हमारी ब्रेथ है यानी ये भी क्या हो जाएगी, हमारे पास बी हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग समकोण त्रिभुज डी ए बी में बात करें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ए बी में क्या होगा हमारे पास, समकोण त्रिभुज डी ए बी में, देखिए 90 अंश, प्रत्येक एंगल 90 अंश, यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, यानी बी डी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, इसका लंबे क्या होगा, बी स्क्वायर, फिर इसके आधार क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर के। ऐसे ही हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्या होगी, इसकी ए बी सी में हमारे पास विकर्ण यानी कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी।
देखो 90s के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण, यानी ए सी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। देखिए यहाँ इसकी जगह हम लोग पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर, यानी ए सी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बी डी। यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया दोनों विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आते हैं पॉइंट नंबर टू पर, तो ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर। पॉइंट नंबर टू क्या है, आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं यानी समद्विभाजित करते हैं। ये चीज़ लिख लेना, हम लिख नहीं रहे हैं। क्या होता है अगर बात करें, हमारे पास क्या है एक रेक्टेंगल है, मान ले रहे हमारे पास क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है ए बी सी डी, इसके दोनों विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी इक्वली बाइसेक्ट करते हैं यानी समद्विभाजित करते हैं, यानी ए इसके बराबर हो जाएगा, ए इसके बराबर हो जाएगा, ए इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम मान ले रहे ओ पॉइंट है, तब ध्यान समझिए क्या होगा, ए ओ बराबर होगा हमारे पास ओ सी के, ऐसे हमारे पास ओ डी बराबर क्या होगा ओ बी के होगा। क्यों होगा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये क्यों होगा ध्यान से समझिए, आयत के दोनों विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे का एंगल क्या इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज़ लिख लीजिएगा। अब क्यों होगा वो चीज़ ध्यान से समझिए। अगर क्या हम लोग जानते हैं, अगर ये हमारे पास एल होगा तो ये भी एल होगा, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अगर ए एल होगा तो ये भी एल होगा, क्योंकि आयत के विपरीत साइड क्या होता है बराबर होता है। अगर ए हमारे पास बी होगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास बी ही होगा, बी होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ध्यान से समझिए, अगर इसको मिटा दें, एक मिनट ध्यान से देखिए, ये क्या है, ए इसके समांतर भी होती है, ए इसके समांतर भी होती है। अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखिए, अगर इसको मिटा दिया जाए, इस वाले इसको मिटा दिया जाए, अगर इसको एक्स मानेंगे तो हमारे पास क्या होगा ये भी एक्स होगा, एक्स भी होगा, ये भी एक्स होगा। अगर इसको यहाँ से देखिए, अगर ये हम लोग वाई मानेंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा वाई होगा, ये भी क्या होगा हमारे पास वाई होगा। क्योंकि अब देखिए ए समांतर है तो ए क्या होगी एक तिर्यक रेखा, ध्यान से समझिए, ए समांतर है एक तिर्यक रेखा काट रही है तो क्या होते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी अगर ये हमारे पास एक्स होगा तो ये भी हमारे पास एक्स होगा। इसके लिए अगर इधर से काट रहा है तो ए हमारे पास अगर वाई है, ये हमारे पास वाई है तो ये भी क्या होगा वाई होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को कोई अगर तिर्यक छेदी रेखा काटे तो क्या होते हैं एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर हम लोग क्या करें तो ए हमारे पास क्या हो गया एंगल बराबर, एक क्या होगा इसकी भुजा बराबर, दो एंगल बराबर, ध्यान से समझिए, ए वाला एंगल इसके बराबर, ए वाला एंगल इसके बराबर, ए वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, दो तीनों एंगल बराबर, एक साइड बराबर, साइड हमारे पास क्या है ए सी डी बराबर किसके ए बी, तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे ए एस ए ए एस से क्या हो जाएंगे सर्वांशम, क्या हो जाएगा दोनों के दोनों त्रिभुज डी ओ सी, उसके बाद ए ओ सी दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होते ही क्या ए इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सर्वांगसम होते ही त्रिभुज के सब कुछ बराबर, उसकी भुजाएं बराबर और सब कुछ संगत भुजाएं बराबर, क्षेत्रफल बराबर, जो इसका होगा परिमाप बराबर, सब कुछ बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए क्या हो जाएगा ओ डी बराबर हमारे पास किसके आ जाएगा ओ बी के आ जाएगा, ये यहाँ से सिद्ध हो जाता है। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पर, तो ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है ध्यान से समझिए, आयत का कोई एक विकर्ण इसके एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है यानी समद्विभाजित करता है। आयत का कोई एक विकर्ण मान ले रहे ए बी सी डी हमारे पास एक आयत है, इसका एक विकर्ण क्या करेगा अगर इसके एरिया क्या करेगा वन बाई टू, यानी क्या होगा इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ये पूरा अगर एक सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल तो इसका क्या हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वली बाइसेक्ट करेगा। ध्यान समझिए ये क्यों करेगा वो चीज़ बताने वाले हैं, आयत का एक विकर्ण इसके एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करेगा समद्विभाजित करता है, तो क्यों करता है वो चीज़ बताने वाले हैं। ध्यान समझिए हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या होगा ए बी हमारे पास बराबर होगा किसके सी डी के, ए बराबर ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, और ये क्या है ए भुजा क्या है इसके बराबर है, ए भुजा इसके बराबर और समांतर, ए भुजा क्या है इसके बराबर और समांतर, ए भुजा क्या है इसके बराबर और समांतर। अब ध्यान समझिए जब ए भुजा बराबर दोनों भुजा बराबर तो ए विकर्ण क्या है ए सी क्या है दोनों कॉमन में होने की वजह से बराबर, ए सी क्या है दोनों में कॉमन होने की वजह से बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो जाएगा साइड से त्रिभुज डी ए सी, त्रिभुज डी ए सी सर्वांगसम होगा किसके त्रिभुज सी बी डी ए सी सर्वांगसम होगा किसके ए बी सी के, त्रिभुज किसके सर्वांगसम होगा किसके त्रिभुज ए बी सी के।
अब क्या होगा, सर्वांगसम होते ही दोनों त्रिभुज का क्या होगा, सब कुछ बराबर, यानी अगर इसका क्षेत्रफल 1/2 है तो इसका भी क्षेत्रफल 1/2, तो इससे हमारे पास सिद्ध हो जाता है कि अगर ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल 1 cm² हो जाएगा तो इसका हाफ होगा, ये भी इसका हाफ होगा, यानी इक्वली बाइसेक्ट करता है। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 4th पर, तो ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर। अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4 हमारे पास क्या है, आयत के दोनों विकर्ण आयत के क्षेत्रफल को 1/4 में डिवाइड करते हैं, यानी 4 बराबर भागों में बांटते हैं। आयत के दोनों विकर्ण आयत के क्षेत्रफल को 1/4 यानी 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक आयत है तो इसके दोनों विकर्ण, ये विकर्ण ए सी और ये विकर्ण क्या है हमारे पास बी डी, इसके एरिया को क्या करेंगे 1/4 × 2, यानी हो जाएगा ए 1/4, ए भी 1/4, ए भी 1/4, ए भी 1/4, यानी 4 बराबर भागों में बांटते हैं दोनों विकर्ण इसके एरिया को। ये क्यों होगा, ध्यान से समझिए। अगर हम लोग ध्यान से देखें क्या होता है, इसको ओ पॉइंट मान ले रहे हैं जहाँ पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को मिलते हैं। हम लोग जानते हैं आयत के दोनों विकर्ण क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यानी ये हो जाएगा ए बराबर इसके हो जाएगा और ए बराबर क्या होगा इसके होगा, नहीं होगा आप लोग कहेंगे होगा, तो ध्यान समझिए। अगर ए इसका क्या है, अगर हम लोग त्रिभुज ए त्रिभुज डी ए सी की बात करें, त्रिभुज डी ए सी में त्रिभुज डी ए सी में बात करें तो ध्यान समझिए, हम लोग जानते हैं एक विकर्ण, यहाँ एक विकर्ण अगर बात की जाए विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी की बात की जाए तो ये क्या करेगा, आयत के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी अगर 1 cm² रहेगा तो ये इसका इसका मान क्या हो जाएगा 1/2, और इसका मान भी कितना हो जाएगा 1/2, ये पूरे क्या हो जाएगा सी ए बी का क्षेत्रफल 1/2 और सी ए डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 होगा। और हम लोग क्या जानते हैं त्रिभुज डी ए डी सी डी ए सी में क्या होगा, ये क्या है देखो, ये दोनों बराबर हैं तो ये जहाँ पे मिलेंगे इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ शीर्ष से मिड पॉइंट को मिलाने वाली भुजा क्या होती है, मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मीडियम कहलाती है। अब मीडियम का काम क्या होता है, क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटना। यहाँ से देखिए, यहाँ अगर हमारे पास वर्टिस से इसके अगर यहाँ पे डाला जाए तो ये क्या होगा मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये ए बराबर है इसके तो क्या हो जाएगा इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, और मध्य बिंदु से किसी भी शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाले अगर त्रिभुज ए डी ए सी में बात की जाए, त्रिभुज डी ए सी में बात किया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा ओ डी, त्रिभुज डी ए सी में ओ डी एक मध्यिका है, ओ डी एक क्या है मीडियन यानी मध्यिका है, ओ डी एक मध्यिका है, जैसी ओ डी मध्यिका होगी तो इसका क्षेत्रफल 1/2 है, तो मध्यिका क्या करती है क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो 1/2, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 1/4, और इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा 1/4। ऐसे ही हम लोग त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट वर्टिस से मिड पॉइंट यानी क्या हो जाएगी बी ओ मध्यिका हो जाएगी, और मध्यिका इसका पूरा क्षेत्रफल 1/2, तो इसका हो जाएगा 1/4, इसका हो जाएगा 1/4। मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो 1/2 है तो इसका 2 बराबर भाग क्या हो जाएगा 1/4 प्लस का 1/4, अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2/4 यानी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये क्या होगा 1/4 के रेशियो में 1/4 यानी 1/4 के भागों में बांट देगी। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास आयत है, एक आयत है, मान ले रहे हमारे पास एक रेक्टेंगल क्या है ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, एक क्या है रेक्टेंगल है सॉरी। अब इस आयत के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट हो, देखिए कोई मिड पॉइंट नहीं है कि इसका विकर्ण यहाँ पे मिल रहे हो, नहीं, कहीं भी पॉइंट मान ले सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, हमारे पास कोई मिड पॉइंट कोई पॉइंट है ओ, इसको मान ले रहे हैं, यहाँ पे मान ले रहे हैं हमारे पास क्या है कोई पॉइंट ओ है, तो अगर इसके शीर्ष से यानी इसको इसके शीर्ष से चारों शीर्ष से मिलाया जाए, मान ले रहे ओ डी और क्या हो जाएगा ए ओ ए से मिलाया जाए, फिर ओ डी से मिलाया जाए, इसे हम लोग क्या इससे मिला दिया जाए ओ बी और ओ सी से मिला दिया जाए, ये क्या हमारे पास पॉइंट ओ है, तो ओ सी से मिला दिया जाए, तो अगर इससे जो क्षेत्रफल होगा, अगर इसका एरिया क्या है ए वन, इसका एरिया मान लें ए टू, प्लस इसका एरिया क्या मान लें ए थ्री, इसका एरिया क्या मान लें ए फोर, तो हमारे पास क्या होगा विपरीत साइड, इसके क्या हो जाएगा ए वन प्लस ए थ्री का जो क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का योग बराबर होगा ए टू प्लस ए फोर के, ए टू प्लस ए फोर के बराबर होगा
अब देखिए ए वन प्लस ए थ्री बराबर क्या हो गया, ए टू प्लस ए फोर के। अगर ये हमारे पास ये देखिए यहाँ भी मान सकते हैं इस पॉइंट को, हम लोग यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, वहाँ भी मान सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसका क्या है मिड पॉइंट है, हम लोग इस पॉइंट को कहीं भी मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अगर इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर मान ले रहे हैं ए वन, इस वाले क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल ए टू, इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या है ए थ्री, इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर ए फोर है, यहाँ से देखिए सी ओ बी की बात कर रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या है ए फोर है, तो जो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या कैलकुलेशन हमें क्या याद करना है, इसका क्षेत्रफल का सम ए वन प्लस ए थ्री बराबर हो गया ए टू प्लस ए फोर के। देखिए क्वेश्चन हमारे पास कैसा पूछ सकता है, इसका मान दे सकता है कितना दे सकता है, ए टू का मान दे सकता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मान 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मान दे सकता है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमसे ए टू का मान ए फोर का मान पूछ सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए फोर का मान पूछेगा तो हम लोग जानते हैं क्या है, ए वन प्लस ए थ्री बराबर होगा ए टू प्लस ए फोर के। अब हम लोग ए वन का मान रखेंगे, ए वन का मान कितना दिया है 3 प्लस ए थ्री का मान कितना दिया है 4 ए थ्री का मान 4 दिया है, ऐसे ए टू का मान कितना है 2 प्लस ए फोर का मान हमें निकालना है। तो ए फोर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 2 हमारे पास क्या 7, 7 में से 2 माइनस हो गया, यानी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है और आया हुआ है। अब देखिए ये होता क्यों है वो चीज़ हम समझाने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पर हर एक चीज़ का क्यों बताएंगे। बेसिक क्लास का मतलब ये होता है कि आप लोगों को बेसिक से बताया जाए, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिले कि कहाँ से चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे कहाँ पर चल रही हैं, तब बेसिक बोला जाता है। वहाँ से आप लोग जैसे ही बेसिक क्लियर रहेगा तो हम लोग जो लैंग्वेज वाले एग्जाम में क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज में बनेंगे, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है तो हम लोग उसका आंसर तुरंत निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड में। और एक इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से समझिए बोर्ड पर ये होता क्यों है, इसका कैलकुलेशन हमें याद करना है लेकिन ये होता क्यों है वो चीज़ बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग बोर्ड पर। देखिए ये होता क्यों है ध्यान से समझिएगा, हमारे पास क्या कह रहा है, ये ओ पॉइंट है कहीं क्या है चतुर्भुज के अंदर, ओ पॉइंट है यानी आयत के अंदर कोई ओ पॉइंट है जो कहीं स्थित हो सकता है, यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, तो ए वन प्लस ए थ्री बराबर हो गया ए टू प्लस ए फोर के। ये कहाँ से हो गया ध्यान से समझिए, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से इसके शीर्ष से यहाँ से हम लोग इस पर डाल दे रहे हैं, एक लंब डाल दे रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं हम लोग क्या पी मान ले रहे हैं, लंब डाल दे रहे हैं पी मान ले रहे हैं, इसकी हाइट कितनी मान रहे हैं एच वन, क्या है हमारे पास इसका मान एच वन। ऐसे ही हम लोग यहाँ से इसको मिला दें, इसको हम यहाँ पे एक लंब डाल दें तो इसका हाइट में कितना मान ले हम लोग मान ले इसको एच टू या फिर इसको एच वन मान ले रहे हैं, इसको एच टू मान ले रहे हैं, ये ओ बी है तो इसको एच वन मान ले रहे हैं, ऊपर वाले को एच टू मान ले रहे हैं। तो हम लोग अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी का मान निकालें, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी का मान निकालेंगे तो हमारे पास एल होगा, इसकी लंबाई है लेंथ है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास एल होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर हो जाएंगी, बराबर होती हैं आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी बराबर और समांतर, तो ये हो जाएगा एल, तो ये भी एल हो जाएगा। हम लोग इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार हमारे पास एल, इसकी हाइट क्या है एच, आधार गुणित ऊंचाई इसकी हाइट क्या है एच वन। ऐसे ही हम लोग अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ओ बी का डी ओ सी का निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ओ सी का मान निकालेंगे तो 1/2, इसके लिए आधार क्या होगा हमारे पास ये हो जाएगा यल, और गुणित हाइट क्या हो जाएगा एच टू, इसके लिए एच टू हो जाएगा, इसको मान ले रहे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान ले रहे इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी और एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ओ सी को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं समीकरण एक धन दो, समीकरण एक धन दो। ध्यान समझिए समीकरण एक धन समीकरण दो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन आया कहाँ से वो चीज़ तो याद रखना है लेकिन ये कैसे होता है वो चीज़ हम लोगों को ध्यान से देखना है समझना है। अब देखिए इसको जगह हम लिख सकते हैं ए ओ बी, यानी इसको मान ले रहे हैं हम क्या मान ले रहे हैं ए थ्री, इसको मान ले रहे हैं ए थ्री, यहाँ लिख सकते हैं ए थ्री प्लस, इसको मान सकते हैं इसका क्या है ट्रेंगल क्या दिया है एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ओ सी, डी ओ सी इसको मान ले रहे हैं ए थ्री, ए वन सॉरी क्या है ए वन है, बराबर क्या होगा देखिए इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या माने हैं ए थ्री, इस वाले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या माने हैं ए थ्री, इस वाले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या माने हैं ए वन, ए वन प्लस ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा 1/2, हम लोग एल कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एच वन प्लस एच टू, क्या बचेगा एच वन प्लस एच टू बचेगा कि नहीं बचेगा 1/2, ये हमारे पास क्या है एल है गुणा में है 1/2 एल कॉमन ले लिए तो एच वन प्लस एच टू। अब ध्यान समझिए ये हमारे पास क्या है इसकी अगर ब्रेथ हो यानी इसकी चौड़ाई हो तो एच वन क्या एच टू का मान एच वन प्लस एच टू बराबर क्या होगा एच वन प्लस एच टू बराबर
क्या इसके चौड़ाई के बराबर होगा कि नहीं होगा? चौड़ाई के बराबर होगा, क्योंकि अगर ए इसकी हाइट है, ए क्या है इसकी चौड़ाई है, तो जो इसकी हाइट होने वाली है, दोनों की हाइट होने वाली है, कहीं भी पॉइंट होगा, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे, तो इसकी जो हाइट होने वाली है वो क्या होगी, एच वन प्लस एच टू बी के बराबर होगी। तो हम लोग एच वन प्लस एच टू की जगह ए थ्री प्लस ए वन बराबर हो जाएगा वन बाई टू एल इंटू बी, एच वन प्लस एच टू की जगह बी रख दिए तो हम लोग ए वन प्लस ए थ्री बराबर हो जाएगा वन बाई टू लंबाई गुणित चौड़ाई के, वन बाई टू लंबाई गुणित चौड़ाई की। अब देखिए इसका इसका सम क्या हो गया, हम लोग आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। देखिए आयत का क्षेत्रफल और इसके बारे में इसका अभिकर्ण क्या होता है, इस सब बारे में हम लोग मेंसुरेशन में डिस्कशन करेंगे। बस इसमें क्या होगा, जो हमारे पास जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो चीज़ तो हम बता देंगे, लेकिन जो इसके अभिकर्ण और डायगोनल फिर जो सवाल होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम लोग मेंसुरेशन में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए, यल इंटू बी हमारे पास क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्या होता है क्षेत्रफल, यल इंटू बी, इसका क्या होगा एरिया क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, यल इंटू बी यानी लंबाई गुणित चौड़ाई, ये पूरा क्या है हाफ, ये कह रहा है कि इसकी हाफ है, देखा इसका ए टू प्लस, ये हमारे पास ए फोर है, सॉरी ए टू प्लस ए फोर का मान क्या हो जाएगा वन बाई टू एल बी, होगा कि नहीं, ये पूरा हाफ है तो इसका मान कह रहा है तो ए टू प्लस ए फोर का मान भी हाफ होगा, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, ए वन प्लस ए थ्री बराबर होगा ए टू प्लस ए फोर के मान के बराबर होगा, ए टू प्लस ए फोर के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है हाफ है, इन दोनों का सम हाफ बचा है तो बचेगा कितना हाफ, तो हाफ इसका इसका क्या होगा सम होगा, वही हमारे पास क्या आ जाएगा कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। ये चीज़ याद रखना है और इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर पूछा है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर सिक्स पर, तो ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर, अगला पॉइंट क्या है ध्यान से समझिएगा। मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है आयत, इससे जितने रिलेटेड यानी आयत से जितने भी रिलेटेड जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, उन सब के बारे में हम लोग थ्योरी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर टॉप क्लास के क्वेश्चन भी करेंगे, वो चीज़ ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर ये ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है आयत है, अगर ए ओ पॉइंट कहीं भी स्थित है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी सकता है, कहीं भी स्थित है, अगर हम मान ले रहे हैं ओ पॉइंट है, ए स्थित है, तो इसके चारों शीर्षों से मिलाया जाए, ओ पॉइंट को चारों शीर्षों से मिलाया जाए तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा, एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं इसका एरिया बराबर होगा इसके और इसके एरिया के। एक कैलकुलेशन और हमें याद करना है, ओ डी स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, क्या होगा ओ ए के स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर होगा किसके, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के, एक कैलकुलेशन हमें याद रखना है। इस पर भी क्वेश्चन आया है हमारे पास, इस पर भी एक क्वेश्चन आया है, तो ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अब इस कैलकुलेशन का हमें याद रखना है। क्वेश्चन कैसा आया है, इसका मान दे दिया है ओ डी बराबर हमें दे दिया जैसे दो, और ओ ए बराबर ओ डी बराबर दे दिया दो, ये दे देगा ओ डी बराबर दो, ऐसे ही हम लोगों को मान दे सकता है ए ओ बराबर ओ बी बराबर दे देगा हमारे पास चार, ओ बी बराबर चार, और ए ओ बराबर दे देगा हमें ओ ए बराबर, ओ ए बराबर दे देगा हमें पाँच, हमसे ओ सी का मान पूछ सकता है कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे जानते हैं, ओ ए स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा पच्चीस प्लस ओ सी स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है, ओ सी का मान पूछ रहा है, तो ओ डी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा दो दूनी चार, कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका मान कितना होगा दो ओ डी स्क्वायर यानी चार प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा सोलह, ओ सी स्क्वायर बराबर हमारे क्या से आ जाएगा सोलह चार बीस, ये आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे इसका इसका लंबाई कितना इसका मान कितना दे सकता है हमें, इसका मान दे सकता है छः, इसका मान छः देगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा छत्तीस, ओ बी स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा छत्तीस, ये हो जाएगा चालीस, टोटल मान निकालेंगे हम लोग तो ओ सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास चालीस माइनस ट्वेंटी फाइव, इधर आएगा तो माइनस का ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा चालीस में से पच्चीस घटाएंगे तो पंद्रह, ओ सी बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में फिफ्टीन, इसका मान आ जाएगा ओ सी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में फिफ्टीन, ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, और इससे रिलेटेड पांच छह फैक्ट और बचे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो हम लोग उस वाले फैक्ट को अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर ये चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी लग रही हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो आप लोग अपना कृपा दृष्टि यानी प्यार और मोहब्बत हम पर बरसाइए, और चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए। बेसिक क्लास यहाँ पर चल रही हैं, कोई बच्चा देख सकता है, जिसको बेसिक एकदम कमज़ोर है वो भी देख सकता है, बेसिक से हाई लेवल तक भी क्वेश्चन हम कराएँगे, आप लोग देखते रहिए।
हमारे साथ जुड़े रहिए, विश्वास रखिए, बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आप लोग जाएंगे कहीं भी कोई पेपर देने तो वहाँ पे देखेंगे विद इन सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोगों को अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू।